अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे इंडिया में जो है 8 चीते जो हैं आ गए। एक दिन का पेमेंट 300 है, तो 300 जो है मिला है, तो मेहनत का जो पैसा होता है वो बहुत प्रिय होता है सबको, और अच्छा भी लगता है इतनी मेहनत करने के बाद अगर 300 पैसे मिले हैं तो। दोस्तों, नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ, तो क्या हालचाल है भाई साहब? आशा है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ब्लॉग की शुरुआत वहीं से जहाँ हम लोग काम करते हैं, मतलब आज काम का दूसरा दिन है और हम लोग आ चुके हैं उस जगह पे। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहीं पे हम लोग काम करते हैं वॉल पुट्टी का। आपने पहले दिन जो है ब्लॉग में देखा था, कल नहीं आए थे हम काम पे क्योंकि कल विश्वकर्मा पूजा था, तो छुट्टी हो गई थी हमारी काम की क्योंकि विश्वकर्मा पूजा में काम नहीं लगा सकते हैं। आज क्या करोगे आप? पुट्टी। पुट्टी करोगे? तो वैसे ये है दरवाजा, मस्त जोक मारा रे। और मजे की बात यह है कि इसमें दरवाजा लिखा हुआ है। तो गाइस, हमारे काम की शुरुआत हो गई है। यहाँ पे काम आ जाए, पुट्टी घोल रहे हैं, घोलना ही पड़ता है। वो है मेरे भैया जो वॉल पुट्टी मिस्त्री है, वॉल पुट्टी करते हैं। तो आज मेरा काम है इस तार ब्रश के हेल्प से जो है खिड़कियों दरवाजों में जो इधर आपको जंग लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, उनको जो है साफ करना है। क्योंकि मेरे को पुट्टी उतनी अच्छे से मतलब नहीं आती है, कल मैं किया हूँ क्योंकि वो नहीं आए थे, तो बदले मैं किया हूँ तो अच्छे से नहीं बन पाया है। तो आज मैं सफाई करूँगा दरवाजों की। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, मेहनत करेंगे यार, तभी तो कुछ मिल पाएगा। ये स्ट्रगल वाली लाइफ है हमारी, और आशा है कि भविष्य थोड़ा सा उज्ज्वल होगा आप लोगों के सपोर्ट से। तो सपोर्ट कीजिए एंड मेहनत तो हमारे जोर से कर रहे हैं। तो गाइस, आपको तो पता है कि यहाँ पे कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है, इसलिए जो है भारत सरकार वैक्सीनेशन जो है हर गांव में कराने वाली 20 तारीख को, मतलब कोविड वैक्सीनेशन का अभियान चलाने वाला है। तो उसमें जो है मेरा सेकेंड डोज का जो है बुक हो गया है, तो अभी आप स्क्रीन पर देख पाएंगे यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। 20 तारीख को बुक है, यानी कि 20 तारीख को जो है लगने वाला है मेरे को सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन का। तो काम तो चलता ही जाएगा, वैक्सीन भी जरूरी है ना। तो गाइस, वॉल पुट्टी करने वाला हूँ और भैया के भी आए हैं, तो मैं जानता नहीं है, तभी मेरे को सिखाने वाले हैं कैसे पुट्टी करते हैं। तो आप भी देखिए कैसे, क्या टेक्निक्स हैं, क्या टेक्निक अप्लाई करना पड़ता है पुट्टी करने के लिए। तो ये अभी भैया बताने वाले हैं। पकड़ना है पूरा मान देना। अच्छा, यहाँ से ऐसे। अच्छा, इसको फिर साफ करना है ना। हाँ। पकड़ना कैसे है प्लेट को? प्लेट को ऐसे पूरा हाथ में पकड़ना। हाँ, पकड़ना ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे फिर गड़बड़ होता है, ऐसे लूज हो जाए। पूरा हाथ में पकड़ना है और ऐसे मारना, फिर इसको साफ करना है या लगा। हाँ, तो चलिए टेक्निक तो बताए हैं, करके देखते हैं। दोपहर के 2 बज गए हैं और हम लोग अभी लंच के लिए बैठे हुए हैं। चावल है और लौकी की सब्जी आप लाए मामा, एक मिर्ची और ये मटर के, मटर का क्या है, क्या बोल रही है? मटर का सब्जी है। मटर का सब्जी है। अच्छा दोस्तों, खाना हमने खा लिया है और फिर से जो है काम पे लगने वाले हैं। 4:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे इंडिया में जो है 8 चीते जो है आ गए हैं, पुश्तैनी ज़मीन पे ही आ गए हैं, क्योंकि पहले थे बस विलुप्त हो गए थे। तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है PBS से लेकर के आए हैं, और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जो है अभी क्वारंटाइन किया गया है 30 दिन तक, और 30 दिनों के बाद जो है उसे जो है जंगलों में रिलीज कर दी जाएगा। लेकिन जब संख्या, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हो सकता है कि आबादी अगर आसपास हो तो उनको समस्या हो सकती है। चीता वापस से हमारे इंडिया में आ गया है और एक विलुप्त प्रजाति को फिर से जो है बचाने की कोशिश की गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है माननीय नरेंद्र मोदी जी को। खैर, देखेंगे कब रिलीज किया जा रहा है जंगलों में चीतों को। तो गैस, चलिए बचा हुआ काम कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद घर जाना है और फिर घर पे भी ब्लॉग शाम तक जो है कंटिन्यू रहेगा। तो गैस, यहाँ पे पुट्टी मिला रहे हैं अभी।
अरे मामा जी भी कुट्टी ही मिला है। सब तरफ एक लेयर हमने पुट्टी कर दिया है और अब सेकंड जो है कल से स्टार्ट होगा, सेकंड लेयर सारे पुट्टी में। तो अभी इस कॉट को जो है साफ करना है, स्कॉटिंग कहलाता है, और इसको साफ करना होता है और नीचे भी साफ करना होता है ऐसे, उसके बाद फिर इसमें पुट्टी करना होता है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा प्लेट, ये बड़े बड़े शार्प होते हैं एकदम से, कटने के बहुत ज़्यादा मेरे को डर लगता है क्योंकि फर्स्ट टाइम हो, तो जो एक्सपर्ट हैं वो तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, तो बच बच के चलाना होता है प्लेट। एक दो बार तो कट ही गया, तो कोई नहीं यार, करना तो पड़ेगा भाई, मेहनत नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेगा। और जो सपने हैं वो मेरे पता नहीं पूरे होंगे कि नहीं, क्योंकि मेरा जो सपना है वो देश दुनिया घूमने का है, और इसीलिए शायद मैंने ब्लॉगिंग का ये चैनल स्टार्ट करी है। तो सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं अपने सपने पूरे कर पाऊँ और एटलीस्ट अपने फैमिली को एक अच्छा सुविधा उपलब्ध करा पाऊँ। तो हाँ दोस्तों, हमने काम आज का ख़त्म कर लिया है, और क्योंकि कल काम किया था तो उसका आज मिला है पेमेंट। तो गाइज ये इसमें का 300 मेरा है, क्योंकि एक दिन का पेमेंट 300 है, तो 300 जो है मिला है। तो मेहनत का जो पैसा होता है वो बहुत प्रिय होता है सबको, और अच्छा भी लगता है इतनी मेहनत करने के बाद अगर 300 पैसे मिले हैं तो। तो पैसे थे नहीं कल तक, आज 300 है तो चलिए काफ़ी अच्छा है, इतना पैसा मिला है तो। तो रेगुलर काम करना है और इस तरह से पैसे कमाना है और घर फिर चलाना है। दोस्तों हम लोग घर आ गए हैं अभी, पलको कहाँ है? तो पलक तो है नहीं घर पे, घूमने गई है, तो जल्दी से नहा लेते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर जो शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं तो नहा के अभी रेडी हो गया हूँ, देखा होगा। हाँ ठीक है ना, ओके ओके। तो पलक बोल रही है क्रीम वाला बिस्किट खाना है, तो इनको दिलाएंगे, तो जल्दी जाते दुकान, फिर वहाँ से आएंगे और जाएंगे ट्यूशन। समय मतलब एकदम छोटा पड़ जाता है। अब देखिए मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, अभी 6 बज रहे हैं शाम के, आते आते मेरे को 8 बज जाएगा, वीडियो की एडिटिंग करूँगा, मतलब ऐसे ऐसे पूरा टाइम निकल जाता है, तो समय जो है बहुत कम पड़ जा रहा है मेरे को। तो क्या जल्दी से पढ़ा करके आता हूँ बच्चे लोग को, उसके बाद फिर आपसे घर पर ही मिलूँगा, क्योंकि आते आते शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा।